आज एक जबरदस्त वीडियो होने वाला है मैजिक पेन के ऊपर, तो आप लोग देखे होंगे ये ब्लैक स्क्रीन का ब्लू पेन, ये इरेजर पेन है, तो इससे हम इरेज कर सकते हैं कोई भी चीजों को। और ये किस किस चीजों में काम आता है, हाउ इट्स यूजफुल और हाउ शुड वी यूज, मैं एक्सप्लेन कर ही देंगे आपको। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास दो पेन है इसका, ये ब्लू कलर में आते हैं, आपको कोई भी रिटेल स्टोर में मिल जाएंगे, स्टेशनरी हो या कोई भी बुक स्टॉल में भी आपको मिल जाएंगे। तो इनके साथ ही मेरे पास ये नॉर्मल पेन भी है चेलो का, तो इन दोनों के जो कंपैरिजन होंगे वो भी मैं बताऊंगा, और आपका इसका जो बेनिफिट्स है, सो व्हाई वी शुड यूज दिस एंड व्हेयर वी हैव टू यूज, सो आपको क्लियरली दिखाएंगे। तो ये मेरे पास नोटबुक है, ये नॉर्मली यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ये 200-250 में आपको ये रिफिल मिल जाएंगे मार्केट में। तो मैं ये पहले ये नॉर्मल पेन से आपको दिखाता हूँ। सो ये मैंने लिखा गॉड, तो इसको हम एक बार लिख दिया तो ये को हम मिटा नहीं सकते। तो ये जो पेन का खासियत है, ये हमने जैसे ये गॉड फिर से लिखा तो इसको हम इरेज पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इरेजर दिख रहा है, तो इरेजर से आप आसानी से इसको इरेज कर सकते हैं। तो कभी भी आप ये पेन से लिखते वक्त, साइन करते वक्त कहीं पे भी आपका गलती हुआ तो आप इसको आसानी से इरेज करके नया करके लिख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खासियत है और सच में ये यूजफुल है। सो इट्स रियली यूजफुल एंड सम केसेस सबसे बढ़िया चीज इसका लगा, हम लोग बिजनेस के सिलसिले में बहुत चेक एंट्री करते हैं, गलती से कुछ मिस्टेक हो जाता है, सबसे बढ़िया चीज इसका मुझे यही लगा। बिजनेस के सिलसिले में आप चेक का यूज करते होंगे तो लिखते वक्त आपको कभी कभी गलती हो जाता है, आदमी से गलती होता है, तो कभी कभार जल्दबाजी में हम लोग गलत लिख देते हैं, तो उस समय हम ये पेन से अगर लिखे तो इसका हम गलती सुधर सकते हैं और इसको इरेज करके हम दोबारा से लिख सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ दिस पेन, आई शो यू। ये चेक पार्ट अभी देख ही रहे, तो ये एक मेरा कैंसिल चेक है, तो इसके ऊपर मैं कुछ भी लिखूं, जैसे ये लिख दिया तो यहाँ पे कुछ भी लिखो आप इसको इरेज कर सकते हैं। तो मैं आपको इरेज करके दिखाऊंगा, इसी पेन से लिखा है तो इसी पेन से आपको इरेज करना है, तो यहाँ पे इरेजर है तो आसानी से आप मिटा सकते हैं। बट वी हैव टू यूज फॉर दिस पर्सनली एंड आपको आपके चेक किसी को देना हो या किसी बिजनेस के सिलसिले में आपको बैंक में जमा करना हो, आपका खुद का चेक आप खुद ही लिखेंगे तो ताकि आपका कोई गलती हो जाए तो आप इसका इरेज कर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया है, नहीं तो देखिए आप ये नॉर्मल पेन से अगर किसी कारण गलती से लिख दिए तो आपको इरेज नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये चेक आपका वेस्ट हो जाएंगे। तो यही एक बढ़िया चीज है, तो ये पेन आपके पास रखिए पर्सनल यूज के लिए। और एक चीज और बता देता हूँ, तो ये पेन मार्केट में आ ही गया तो ये टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है, तो आप किसी को चेक अगर देंगे तो आप काइंडली जो अमाउंट होंगे तो इसी पेन से लिख के दीजिएगा, तो इसी पेन से लिखा हुआ चीजों को ये इरेज नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द पॉजिटिव थिंग्स एंड बेनिफिट्स। सो आप कभी किसी को चेक लिख के देंगे तो अमाउंट जो है इस नॉर्मल पेन से लिखिएगा, और जब आप खुद का चेक खुद बैंक पे जमा कर रहे हैं तो फिर अमाउंट को छोड़ के बाकी का आप इसी पेन से लिखिए, ताकि लिखते वक्त कुछ गलत होने से भी आप इसको मिटा सकते हैं। तो मैं और एक चीज दिखा देता हूँ, नॉर्मल पेन से आपको लिख के दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे गॉड लिखा था मैंने, सो बेस्ट, तो इसको मुझे इससे मिटाने गया तो ये नहीं मिटेंगे। तो ये एक बढ़िया चीज है, तो इससे कितना भी कोशिश कीजिएगा आप मिटा नहीं पाएंगे। तो आपका जो चेक हो या कहीं भी सिग्नेचर हो वो नॉर्मल पेन से कीजिएगा, ताकि कोई ऐसा इरेजर पेन से इसको मिटा नहीं सकता। तो ये पेन का जो पॉजिटिव थिंग्स है, जो इफेक्टिव यूज है, उसी को हमको यूज में लाना है। जैसे हम अगर वर्ड लिखते वक्त कुछ गलत हो गया तो हम उसको मिटा सकते हैं, तो इसलिए इसी पेन को यूज करना चाहिए, और सिग्नेचर हो अमाउंट हो इस पेन को यूज कीजिएगा। सो दिस इज द स्मॉल थिंग्स बट इट्स वेरी यूजफुल एंड मार्केट में डेफिनेटली यू विल गेट इट इन लोकल आउटलेट जस्ट ₹200 or ₹300, सो यू कैन गो फॉर इट। एंड फ्लैक्सियन हैव मेड अ गुड फ्यूचर्स इन दिस पेन। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा खाली देखते मत रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, काइंडली बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। बाय।